तो गाइज़ अभी मैं हूँ ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे और अभी हम लोग यहाँ से मतलब ये सीधा मुंबई की तरफ जाता है रोड। तो हम ये लेफ़्ट साइड में जो ये फ्लाईओवर है यहाँ पे चढ़ेंगे और ये हमें सीधा कनेक्ट कर देगा सेंटा क्रूज चेंबूर लिंक रोड पे। तो गाइज़ सेंटा क्रूज चेंबूर लिंक रोड जिसका शॉर्ट फॉर्म है SCLR है, ये 16.45 किलोमीटर लॉन्ग एटेरियल रोड है जो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे को ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से कनेक्ट करता है। सेंटा क्रूज में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से कनेक्ट होता है और चेंबूर में ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से कनेक्ट होता है। सेंटा क्रूज चेंबूर लिंक रोड में सिटी का फर्स्ट एंड इंडिया का सेकंड डबल डेकर फ्लाईओवर है जो बहुत ही डिले हुआ था प्रोजेक्ट में। तो गाइस अभी हम लोग ये सेंटा क्रूज चेंबूर लिंक रोड से हो गए हैं कनेक्ट। अभी ये जो आगे फ्लाईओवर आएगा ये वही है इंडिया का सेकेंड एंड सिटी का फर्स्ट डबल डेकर फ्लाईओवर। अभी ये फ्लाईओवर जो है ये फ्लाईओवर से उतरने के बाद हम लोग कुर्ला पहुंच जाएंगे, उसके बाद फिर एक और फ्लाईओवर आएगा जो हमें कुर्ला से कलीना की तरफ छोड़ देगा। तो ये डबल डेकर फ्लाईओवर है, बहुत ही ज़बरदस्त है, स्काई कितनी अच्छी लग रही है। अब ये वीडियो को मैंने 1.7x की स्पीड से रखा है ताकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी नहीं हो जाए। काफ़ी स्मूथ है ब्रिज, ये फ्लाईओवर बहुत स्मूथ है। अब हम लोग ये कुर्ला पहुंच चुके हैं, अभी फिर हम लोग वापस एक फ्लाईओवर आएगा वो चढ़ेंगे। ये पूरा ये सेंटा क्रूज चेंबूर लिंक रोड में ही आता है। जैसा मैंने आपको बताया है कि सेंटा क्रूज चेंबूर लिंक रोड ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे को वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से कनेक्ट करता है। ये अभी जो हमें राइट साइड में दिख रहा है फ्लाईओवर दिख रहा है वो अभी तो बन रहा है वो, यानी मतलब इस पे से यहाँ से सीधा ये वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे अपने को छोड़ देगा। तो इसका काम अभी चल रहा है। ये CST रोड है, बहुत ही बिजी रोड है, ये यहाँ पे इतना ट्रैफिक रहता है। तो मैंने इसको 4x पे कर दिया है कि आपसे कोई भी एक रोड भी मिस ना हो गए। तो यहाँ पे सब कार वगैरह के पार्ट सेकेंड वो सब मिलते हैं और बाइक के भी थोड़े मिलते हैं। तो थोड़ा सा पार्ट इसका मैंने 4x किया है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक है। फिर ये हमें जो राइट साइड में भी फ्लाईओवर दिख रहा है, इसका काम तो चल रहा है लेकिन स्लो है। इसका एक्सटेंशन थोड़ा आगे जाके लेफ़्ट साइड में जाएगा जो BKC की तरफ जाएगा और हमें सीधा सीधा जाना है। एक स्टेशन लेफ्ट में जाएगा और बाकी सीधा सीधा जाएगा, तो हम सीधा सीधा ही जाएंगे। हाँ, ये एक्सटेंशन जो ये लेफ़्ट की तरफ दिख रहा है जा रहा है वो BKC की तरफ जा रहा है और हमें यहाँ से सीधा सीधा ही जाना है। अपना फ्लाईओवर भी सीधा सीधा ही जाएगा। ये सीधे था, यहाँ पे काफ़ी अच्छा काम हुआ है हमें देखने मिल रहा है। ये लेफ़्ट साइड में BKC है पूरा, वो जो लेफ़्ट मार लेते तो सीधा BKC आते हैं। यहाँ से हम लोग सीधा सीधा जाएंगे टिल वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे।
यहाँ पे हमें आगे लेफ्ट साइड में वो मुंबई यूनिवर्सिटी भी मिलेगी, कलीना यूनिवर्सिटी जो है, बताऊँगा आपको जहाँ पे आएगी। ये है कलीना यूनिवर्सिटी, ये लेफ्ट साइड में जो गेट दिखा वो था। हमें सीधा सीधा जाना है और आगे जाके थोड़ा एक लेफ्ट जैसा लेना रहेगा क्योंकि फ्लाईओवर लेफ्ट की तरफ जाएगा। लेफ्ट साइड में हमें फ्लावर दिख रहा है, उसका काम तो चल रहा है काफी। यहाँ पे हमें काफी ट्रैफिक मिला है लेकिन अब फुल ट्रैफिक को चीरते हुए निकल रहे हैं। ये वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे हमारे सामने आ गया है। तो गाइस वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसे ही जो भी मेगा प्रोजेक्ट चल रहा है उसका अपडेट देखने मिलेगा। थैंक यू।